बरवाला के समीप वर्ती गांव ढाणी खान बहादुर में देर रात एक दुकानदार अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवाया गया। मृतक के पुत्र नरेश ने बताया कि उसका पिता दुकान पर बैठा हुआ था। तीन लोग गाड़ी में सवार होकर आए और उसके पिता को उठाकर ले गए। इसके बाद उसके पिता को मारपीट के दुकान के बाहर चलती गाड़ी में से फेंक दिया। उन्होंने बताया कि बाद में उसके पिता को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उसने बताया कि हत्या में 15 से 20 लोग शामिल है। 4 लोगों के नाम सामने आए हैं। उनकी मांग है कि उनके पिता के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। जांच अधिकारी जसवंत ने बताया कि सूचना मिली थी कि भले राम को कुछ लोगों ने मारपीट के उसे फेंक दिया, उसकी मौत हो चुकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए हिसार के सामान्य अस्पताल भिजवाया गया है, जहां शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। मामला कुछ भी नहीं है जी। एक्चुअली में ना ये जो नए ठेकेदार आए हैं अभी, ये पिछले कई दिनों से गांव में बहुत ही मतलब गुंडागर्दी लगा लो या जैसे भी इन्होंने मचा रखी है। अभी इन्होंने दारू दुरू देने बंद कर रखे, जैसे गांव में किराने की शॉप करते थे पापा जी, तो उन्होंने पिछले काफ़ी दिनों से बंद कर दिया हमने कहने पर, हमारे कहने पर। तो अभी ये किसी मतलब गलत फहमी में थे और ये परसों चौथे भी आए थे घर पर। तो उस टाइम भी पापा जी ने कहा था कि भाई अगर ये घर पड़ा, ये दुकान पड़ी, अगर आपको देखना है आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास कोई मतलब इस तरह की चीज़ नहीं है। और उसके बाद कल ये शाम को आए हैं और आके इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस आते ही इनको उठाया, गाड़ी में डाला और गाड़ी में डाल के मुझे करीबन 15-16 मिनट बाद ही वापस फेंके घर पर। और उस टाइम बिल्कुल बिल्कुल ही नाजुक हालत में थे। और जैसे ही हम बस हॉस्पिटल के लिए लेके निकले उनको, तो बस थोड़ी बहुत दूर चले होंगे, बस उन्होंने तब तक यही बताया सिर्फ कि जो ये उठा के लेके गए हैं ये जो गांव के नए ठेकेदार हैं, लड़के हैं 10-12, वो थे बस। उसके बाद उन्होंने सूचना मिली थी ढाणी खान बहादुर से, बलेराम सुनो शोचंद को मृत अवस्था में सियासी बरवाड़ा ला गया है, जो हमने उसके लड़के का बयान तहरीर किया, जिसमें उसने बताया कि 7-8 ठेकेदारों के जो लड़के या ठेकेदार हैं वो उसके पिताजी को घर से उठा के ले गए हैं और 30-35 मिनट के अंदर मारपीट करके वापस छोड़ गए, जिसमें उसकी काफ़ी तबीयत खराब हुई थी। वो उसका लड़का और उसके परिवार वाले उसको इलाज के लिए बरवाड़ा ले जा रहे थे, रास्ते में उसकी मौत हुई। 7-8 ठेकेदारों के खिलाफ हैं, ठेकेदारों कारिंदे या जो भी काम करने वाले जो ले गए, 364 अपहरण की और 302। आर न्यूज़ के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।